हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देख लेते हैं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण परियोजनाएं। चलिए, तो पहली हमारी स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इसे 25 जून 2015 से शुरू किया गया। इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी तैयार की जाएंगी। इन शहरों के विकास के लिए 48,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के विकास के लिए प्रत्येक चयनित शहर को 100 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इसमें शहर में पानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा आदि में सुधार किया जाएगा। अगली योजना है हमारी अमृत सिटी योजना। इसे भी 25 जून 2015 से शुरू किया गया। इस मिशन में पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन की का स्थान लिया है इसने। इस योजना में 500 शहरों को शामिल किया जाएगा, जिस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में सर्वाधिक शहर उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, जिसमें 64 हैं। इसमें 1 लाख से अधिक ऐसी आबादी वाले शहरों को चुना जाएगा जहां अधिसूचित कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। इसमें विरासत शहरों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें शहरी संरचना पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा लंबी अवधि की परियोजनाएं, शहरी कॉरिडोर, शहरी नवीनीकरण, गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह अमृत सिटी योजना। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे 25 जून 2015 से शुरू किया गया। इस योजना ने इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया है। सन 2022 तक स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अतः इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी भारतीयों को आवास उपलब्ध कराना है। अगली बात करते हैं हम हृदय योजना। 21 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस योजना का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य है विरासत शहरों को समेकित, समावेशी और सतत विकासशील बनाना। सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाएं देख लेते हैं। पीएम मोदी ने कोलकाता में 9 मई 2015 को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 3 परियोजनाओं की शुरुआत की थी। इसमें पहली है अटल पेंशन योजना। यह असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष की उम्र के खाता धारकों को, जो टैक्स नहीं देते, उनके लिए शुरू की गई। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। अगली है पेंशन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 18 से 70 साल की उम्र के खाताधारक व्यक्तियों के लिए 12 रुपए वार्षिक में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। अगली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें भी 18 से 50 तक की आयु के खाताधारकों व्यक्तियों को 330 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। अगली योजना हमारी सुरक्षा बंधन अभियान। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए बैंक में बीमा कंपनियों की सहायता लेना। इस अभियान में निम्नलिखित योजनाएं में शामिल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा और योजना अटल पेंशन योजना। ये 3 योजनाएं इसमें शामिल है। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया। इसमें मिट्टी की जांच करके तत्वों की मात्रा के आधार पर किसान को फसल के लिए अनुरूप खाद दिया जाएगा। इसमें 75% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। पिछले 3 वर्षों में 14.5 करोड़ कार्ड किसानों को बांटे जाएंगे अगले 3 वर्षों में। अगली बात करते हैं नमामि गंगा गंगे योजना। इसे 13 मई 2015 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है पवित्र गंगा नदी को साफ, स्वच्छ एवं निर्मल बनाने का कार्य किया जाएगा। इस योजना में अगले 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली है पहल योजना। इसे 1 जनवरी 2015 से LPG पर मिलने वाली सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में पहल योजना के तहत जमा की जाएगी। अगली है गगन परियोजना योजना। इसका उद्देश्य ट्रेन की सटीक पोजीशन पता करना। इसके तहत इसरो एक नौवान प्रणाली विकसित करेगा, जिसमें भारतीय ट्रेनों की सही पोजीशन का पता लगाया जा सकेगा। गगन पूरी तरह भारत में विकसित किया गया नेविगेशन सिस्टम है। अगली बात करते हैं मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मिशन योजना।
जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2015 को वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू किया है। इसका उद्देश्य कुशल शिक्षकों को तैयार करना। अगले मिशन इंद्रधनुष, इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य 2022-2020 तक 90% बच्चों का टीकाकरण करना। इसके अंतर्गत 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें शामिल है डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी खसरा का लक्ष्य रखा गया है। अगली बात करते हैं हम, योजना हमारी सागरमाला परियोजना, इसे 25 मार्च 2015 से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना, बंदरगाह तक सामान की तुरंत कम लागत तथा कुशलता पूर्वक पहुंच हेतु आधारित संरचना उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत बंदरगाहों का आधुनिकरण व नए बंदरगाहों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अगली हमारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसे 17 सितंबर 2015 से शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य खनिज उत्खनन क्षेत्र में खनन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों के जीवन में सुधार। अगली है हरित राजमार्ग क्रांति, इस योजना का प्रारंभ किया गया था 19 सितंबर 2015 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजमार्ग गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना। अगली है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसे 16 सितंबर 2015 को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 300 स्मार्ट गांव के विकास हेतु लगभग 5,000 करोड़ रुपये मंजूरी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में बुनियादी सुविधा का विकास करना। अगली है स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अभियान का आह्वान किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना। अगली बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, इस योजना का प्रारंभ हुआ 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना का लक्ष्य देश के सभी परिवारों को 2022 तक आबादित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। इस योजना का बजट 76,000 करोड़ रुपये। अगली है मिशन इंद्रधनुष, 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मिशन इंद्रधनुष का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों को टीकाकरण करना जो जीवन रक्षक टीकों से वंचित रह गए। यहाँ याद रखना, ये है मिशन इंद्रधनुष और ये है इंद्रधनुष मिशन। इस मिशन की शुरुआत 16 अगस्त 2015 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई। इस मिशन की सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 7 सूत्री अभियान को प्रारंभ किया गया। अगली है हमारी प्रकाश पथ योजना, इसे 5 जनवरी 2015 से शुरू किया गया। प्रकाश पथ नाम से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत मार्च 2015 से एक चरणबद्ध तरीके से LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। मार्च 2016 तक 100 शहरों के घरों में सड़कों पर LED बल्ब लगाए जाने की परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना योजना, इसे 20 मार्च 2015 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश भर के हुनरमंद 24 लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, यह एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में नए प्रौद्योगिकी व पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देना, नई नौकरियों का सृजन करना तथा देश को वैश्विक विनिर्माण के मानचित्र पर स्थापित करना। डिजिटल शेर इस अभियान का लोगो है। इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की पूंजी से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पूरे महाराष्ट्र में है। अगली बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन, इसे 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। क्रांति नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल,
स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है पूरे देश में खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति मुक्त करवाना है। इस अभियान में स्वच्छ बनेगा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। इस योजना का ध्येय वाक्य है कदम एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये स्वच्छ भारत अभियान। अगली बात करते हैं डीडी किसान चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को भारतीय किसानों को समर्पित एक नए चैनल डीडी किसान को लॉन्च किया है। ये चैनल 24 घंटे कृषि कार्यों से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इस चैनल का प्रचार महानायक अमिताभ बच्चन करेंगे। अगली बात करते हैं भारत माला परियोजना। देश के 17 राज्यों के तटीय एवं सीमा क्षेत्रों से गुजरने वाले 7,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत माला परियोजना के नाम से जानी जाती है। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसे 28 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के प्रारंभ होने के पहले ही दिन 1.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लिखित है। इस योजना के तहत खाता खोलने वाले को स्वदेशी रुपए कार्ड डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए दुर्घटना सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में 7.5 करोड़ बैंक खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना का आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगली बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के जन्म के समय से 10 वर्ष की उम्र में खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगली बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के कौशल सुधार हेतु योजना का आरंभ किया। इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। 2017 तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों की न्यूनतम आयु 5 वर्ष रखी गई तथा लाभार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी तथा समूह में उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगली हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में देश के 100 जिलों को में चलाया गया था। यह योजना कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी पढ़ाई को सतत बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगली है ज्ञान योजना। यह केंद्रीय मंत्रालय संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने IIT गांधीनगर गुजरात में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क्स योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि योजना कृषि सिंचाई योजना। इसे 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कृषि सिंचाई हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगली प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसे 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रत्येक जिला चिकित्सालय में लगने वाले विशेष कैंप में महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की जानकारी दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का केंद्रीय कैबिनेट ने 23 मार्च 2016 को स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।
इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगली है सबके लिए आवास योजना। इसे 29 अगस्त 2015 से शुरू किया गया। इस योजना के तहत 2022 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को 2 करोड़ आवास का निर्माण किया जाएगा। अगली है भारतम परियोजना। इसे 4 अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी राजमार्गों को वर्ष 2019 तक रेलवे किरासन से मुक्त करना। अगला है सांसद आदर्श ग्राम। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई। इसके तहत प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3 ग्रामों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य भारत के ग्राम गांव भौतिक और संस्थागत ढांचे का संपूर्ण विकास करना है। अगली है डिजिटल लॉकर योजना। इसे 7 अगस्त 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसे डिजी लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में सभी प्रकार के दस्तावेजों को एक एप्लीकेशन में अपलोड करना होगा। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप्स में सभी प्रकार के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी। इसकी सहायता से इस दस्तावेजों को देखा जा सकता है। अगली हमारी राष्ट्रीय गोकुल योजना, गोकुल मिशन। इसे 28 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। यह मिशन स्वदेशी गांवों के संरक्षण से संबंधित है। अगली मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस योजना को 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत कृषकों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड पर मृदा की गुणवत्ता, अपेक्षित उर्वरक आदि की मात्रा, प्रयोगशाला परीक्षणों की रिपोर्ट दर्ज होगी। अगली बात करते हैं स्वर्ण भारत परियोजना, भारत योजना। इसे 5 नवंबर 2015 से शुरू किया है। इसके तहत सोने के आयात को नियंत्रित करना, घरेलू संग्रह की उपयोगिता बढ़ाना, ये कुछ मुख्य योजनाएं थी मोदी सरकार की। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं रुक